हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संकर्षण कारण तोयसाई गर्भोदसाई च पयब्धिसाई शेषांश जस्यांश सकला अनित्यानन्दाख्यरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सवाई हाथ ले बोल बोलो हरे केवल बोले ना कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। और एक बार सवाई जोर करे हरे कृष्ण हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है राम घाट है। राम मतलब श्री बलदेव प्रभु का ये स्थान है। इसलिए कहते जिस समय कृष्ण ये वृंदावन छोड़ करके ये चले गए मथुरा चले गए। अभी मथुरा चले जाने पर कृष्ण विरह में ये सारे ब्रज संपूर्ण रूप में कृष्ण विरह में डूबा हुआ है। जब से कृष्ण गए तब से कोयल कुहूक करते हैं और गैया घास नहीं खाते और बछड़े दूध भी नहीं पीते। संपूर्ण ब्रज कृष्ण विरह में पूरा डूबा हुआ है। अभी कृष्ण को जब जब कृष्ण को बोलते हैं जिस समय उद्धव जी ब्रज में आए और उन्होंने ब्रज का स्थितियों को उन्होंने दर्शन किया। पहले तो उद्धव ब्रज में आना चाह नहीं रहे थे। बोले प्रभु जब तुम ब्रज में जाओगे ना देखोगे अगर मैं कहीं बोले ब्रज में है मैं तो 1% इधर है और 99% कहां पर है श्री वृंदावन में हूं। अभी तुम उधर जा करके ये चीज को अनुभूति ये चीज को करोगे। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को उन्होंने ब्रज में भेजे। बोले उद्धव जी को ब्रज में कोई दुख हो आप हृदय के भाव को बांट सकते हो फिर क्या होता है तुम्हारी दुख लाघव हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अकेले होना अगर ज्यादा दुख 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 हो तो क्या होता है वो पागल हो जाता है लास्ट में। लेकिन यहाँ पर गोपियां ब्रजवासी समझ आती है और एक दूसरे के भाव को वो समझ लेते हैं। लेकिन कृष्ण अकेले बढ़े गए। अभी जो हृदय के दुख अगर वो किसको बोलना चाहते हैं लेकिन वहां कोई समझने वाले है ही नहीं जो कि कृष्ण के भाव को कोई समझे। अगर बोलेंगे ना ब्रजवासियों को दुख में दुखी बोले पागल है कहां गैया को चराने वाले कंडा बीनने वाले दधि मंथन करने वाले ये कहां और कहां बनचरी वृंदावन ग्वालिनिया और इनके लिए कृष्ण रोते हैं। इसलिए इनकी भाव को नहीं समझेंगे। इसलिए उन्होंने उद्धव जी को भेजे भेज करके क्यों अगर वहां पर जा करके ब्रज गोपियों की भावना को समझे समझ करके जब यहाँ पर आएंगे और वहां पर प्रिंसिपल कौन है बोले श्री राधा रानी। बोले प्रोफेसर कौन है बोले ये ब्रज की गोपियां ही प्रोफेसर हैं। अगर कृष्ण सोच रहे हैं अगर ये उद्धव जी को भेजता हूं ना जा करके यद्यपि ये ब्रज प्रेम का था नहीं पाएगा लेकिन उन्होंने देखा जैसे कोई हाई फाई कोई कॉलेज होना उसके लिए कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन स्टूडेंट भी जरूरत है। लेकिन देखा ये मथुरा में ऐसे कोई है नहीं है तो केवल एक एक व्यक्ति उद्धव जी है वो थोड़ी बहुत केवल ये पता लगा सकता है हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया जैसे बहुत गहरा पानी हो जहां पर भ्रमर काट रहा है क्या बोलते उसको भौरा भौरा है अगर किसको तैरना नहीं जानते है ना अगर कूद जाए तो क्या होगा डूब कर को मर जाएगा। इसलिए
ब्रज प्रेम को, इसलिए कहते हैं के बापा बे वाके पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी भय धार। जो प्रेम नदी वो उल्टी बहती है, इसलिए देखा उद्धव थोड़ी बहुत वो प्रेम को पता लगा सकता, इसलिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा। और कृष्ण सोच रहे हैं अगर उद्धव वहां पर जाए वो प्रेम को देखे, देख करके फिर इधर आए और इधर आ करके पंच मुह में अगर ब्रज की महिमा को अगर कोई गाए ना, फिर हो सकता है ये कुछ पता लगा सकते भैया ब्रज प्रेम किया। और जैसे एरे के गेरे व्यक्ति को भेजू वहां की बात को अगर बोलेगा तो उसका कोई महत्व नहीं देंगे, लेकिन उद्धव जी को अगर भेज करके आकर के बोलेगा, क्यों उद्धव कौन है, बोले उद्धव बुद्धि सतम वृषनाम प्रवरमंति कृष्णस्य दैत सखा और शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम, बुद्धि में उत्तम श्री उद्धव जी है। साक्षात बृहस्पति का जो चेले वो इतने हाई फाई स्टूडेंट था, इसलिए इनको पढ़ने लिखने के लिए उनको कहां भेजे, उनको स्वर्ग में भेजे थे बृहस्पति को। ये अगर आ करके कोई बात को बोले ना भैया भैया, जैसे मोदी अगर कोई बात अगर मोदी बोले, बोले भैया इसमें कुछ दम है मोदी बोल रहा है, हाँ मोदी बोल रहा है, क्योंकि थाली बजा, हाँ थाली बजा, हाँ इसलिए उद्धव जी को भेजे। और उद्धव जी सचमुच से ब्रजवासियों का दुख को देखे और उन्होंने प्रतिज्ञा करके आए, मैं जरूर कन्हैया को मैं जरूर यहाँ पर मैं भेजूंगा। लेकिन जब आए और जब उन्होंने ब्रजवासियों का प्रेम को उन्होंने बताया ना, कृष्ण तो थोड़ी सी रोए, लेकिन रो करके बोले कृष्ण मैंने स्वयं देख करके आया है ये ब्रजवासियों का किया दुर्दशा, इसलिए तेरे बगैर है ना इनका दुख कभी विमोचन नहीं हो सकता है, लाघव नहीं हो सकता है। कृष्ण तो थोड़ी सी रोते हैं फिर भूल जाते हैं कृष्ण, इसलिए कहीं जा नहीं रहे। इतने में बलदेव प्रभु ने बोले कन्हैया बताओ तू जाओगे कि नहीं, बोलता हूं तो जाने के लिए थोड़ा रो लेते हो तू, फिर रो करे फिर चुपचाप हो जाते हो, बोले चुप कृष्ण, कृष्ण क्यों ब्रज में नहीं जाते हैं, बोले कारण है, उसका कारण क्या बताए, बोले कारण बताए जैसे कोई जैसे रोटी सेक सकते हैं तावा पर, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होना उसमें अगर थोड़ी सी पानी छोड़ दो ना छंक करके उड़ जाएगी, इसलिए उनकी जो विरह इतनी उन्नत अवस्था में विरह अगर थोड़ी समय जा करके ना, फिर तो उनका दुख लाघव होने वाले नहीं। अगर मैं फिर जाऊं ना फिर मथुरा में जरासंध आदि आक्रमण करेंगे, उल्टा पुल्टा लोग आक्रमण करेंगे, पता चलेगा ब्रजवासियों में कोई संबंध है, इसलिए कृष्ण बहाना बना करके कृष्ण रोते हैं और कृष्ण नहीं जाते, और विशेष करके उनकी विरह, क्योंकि अगर जाने पास में जाने पर क्या होगा वो विरह दशा नहीं रहेगी। इसलिए देखो जितने भगवान की लीला है ना, राम का अवस्था तो भगवान ने राम भी सीता को त्याग दिए, 14 साल तक वनवास गए और सारे अयोध्या वासियों को विरह में डुबाते रहे, महाप्रभु का लीला देखो वो भी गए महा सब नदिया वासियों को छोड़कर जगन्नाथपुरी गए, उनको भी विरह में डुबाए, कृष्ण भी सारे काले ऐसे ही है, सबके सब काले, काले व्यक्ति अच्छे नहीं है सबके सब, इसलिए कहते इनकी विरह, हाँ हम भी काले महाराज भी काले, हम सब काले ही काले, इसलिए हम कोई गोरे नहीं सब काले ही है, क्योंकि हम उनकी धारा से आए ना, इसलिए बोले काल, इसलिए यहाँ पर कृष्ण केवल उनको विरह रस का आस्वादन कराने के लिए, विरह मतलब क्या, बी मतलब विशेष पूर्वक, रह मतलब कली, ऊपर से दिखता ही पड़ता है तो दूर हो गए, लेकिन अंदर में जो कृष्ण प्रेम की जो धारा, जो कृष्ण मिलन की जो उत्कंठा, कृष्ण की जो चिंतन है, राधा रानी जैसे कृष्ण चले गए, राधा रानी तमाल वृक्षों को देख कर कृष्ण मानती है, मैं को देख कर उसका साथ में बात करती है, तमाल वृक्षों को राधा रानी आलिंगन करके कृष्ण सुख अनुभूति करते हैं, वो जो डूब जाती प्रेम ना, ये मिलन में ये चीज नहीं होगी, उस संपूर्ण रूप में उसमें डूब जाते हैं ये विरह अवस्था में। इसलिए बलदेव प्रभु बोले कन्हैया अगर तू नहीं जाओगे ना मैं जा रहा हूं। इसलिए बलदेव प्रभु सचमुच से ब्रज में आए और उन्होंने सारे ब्रजवासियों की दुर्दशा को देखा, देख करके ना इतने में उन्होंने नंद बाबा की गोद में बैठी करके उनकी जो विरह को उन्होंने थोड़ी दूर किया, फिर उन्होंने मैया जशोदा की गोद में बैठ करके उनको विरह दूर किया, फिर उन्होंने
अपना ग्वाल बालों को साथ में, कृष्ण बलदेव प्रभु उनको साथ में भी मिले हैं, उनको साथ में मिलकर खेल कूद करके उनका भी विरह दूर किया। लेकिन उन्होंने बलदेव प्रभु अभी जो कृष्ण जो प्रेयस है अभी उनको कैसे दुख दूर करेंगे, इसलिए बलदेव प्रभु यहीं पर बलदेव प्रभु आए और यहीं पर बलदेव प्रभु आकर के अपना गोपियों को साथ में कृष्ण बलदेव प्रभु यहीं पर उन्होंने रास रचाए। इसलिए अभी प्रश्न होता है भैया रास रचिया तो एक कन्हैया है और तो कोई है ही नहीं, रास रचिया कौन है, कृष्ण ही एकमात्र रास रचिया। अभी प्रश्न आता है फिर बलदेव प्रभु पर कैसे रास रचाए, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ये बात को चैतन्य भागवत में उत्थापन करते हैं। कहते बलदेव रास कौन शास्त्र आचे, कहां पर बताया बलदेव प्रभु ने रास किया है, कृष्ण ही तो अकेला रास किया। लेकिन इसलिए बलदेव प्रभु भी रास किया, बोले क्यों बलदेव रास किए, क्योंकि ये कृष्ण अभिन्न है। इसलिए चैतन्य भागवत में जब वृंदावन दास ठाकुर जब उन्हें चैतन्य भागवत को प्रारंभ करते हैं ना, क्या बोलते हैं मंगलाचरण में, बोले अजानुलंबित भुजो कनिका बदातो संकीर्तन पितरो कमलायताक्ष विश्वम भरो दिज भरो युग धर्म पालो बंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। उन्होंने एक श्लोक में नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के एक श्लोक में वंदना करके इसमें द्विवचन 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 प्रयोग किया, मतलब किया है वो यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते मेरे जो गुरुदेव श्री बलदेव प्रभु है श्री नित्यानंद प्रभु कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए उन्होंने द्विवचन द्विवचन बजे अजानुलंबित भुजो, दोनों का ही अजानुलंबित भुज है, दोनों ही कनका बदाता दोनों ही गौरव भरने के हैं, हैं? और दोनों ही संकीर्तन का पितर हो, दोनों ही संकीर्तन धर्म का प्रवर्तक दोनों ही है, और दीजुआ बरो दोनों ही ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म दोनों ही जन्म हुए हैं, इसलिए बंदे जगत प्रिय करो करुणा बतारो, दोनों ही करुणा की समुद्र है। और विशेष करके महाप्रभु से भी नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु ज्यादा करुणा है, इसलिए भक्तमन ठाकुर कहते हैं ना दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचे रे अमर हर नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन हे मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। इसलिए कहते मेरा जो मन है श्री नित्यानंद महाप्रभु का नाम को लेकर नाच उठे, बोले क्यों, बोले ऐसे कोई दयाल देखे हो जो मार खाकर के भी प्रेम दिया, अगर कृष्ण को कोई थोड़ा कुछ बोले ना चक्र उठा दिया, राम को कोई बोले तो धनुष उठा लिया पूरा लंका खत्म, लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे कहते मेरे छी कल सिर काना ताई बोली की, अरे बंगालिया नहीं ताई बोली की, हाँ कत्तो दयालु नित्यानंद प्रभु ऐसे, इसलिए यहाँ पर कहते इनका नाम को लेकर मेरा हृदय नाच उठे, ऐसे दयाल देखे हो है जो मार खा करके भी जो प्रेम को देने वाले कौन है श्री बलदेव प्रभु, बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। इसलिए यहाँ पर श्री एक श्लोक को द्वारा दोनों को वंदना करते हुए केवल काय मात्र भेद देखने में बलदेव प्रभु गौरव वर्ण के और कृष्ण देखने में काले वर्ण के आदि काय विहो कृष्ण की अभिन्न प्रकाश श्री बलदेव प्रभु है, हैं? और ये कृष्ण से भी ज्यादा दयालु श्री कौन है, श्री बलदेव प्रभु ज्यादा दयालु, इसलिए इनका नाम ही बलदेव, मतलब जो भक्ति बल का जो अधिष्ठात्री देवता। इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं, बोले संसारे रपार हैया भक्ति रसागरे जे डूबे वैसे भजो का नीताई चंदे। अगर कोई भक्ति रस में गोता लगाना चाहे तो क्या करे, कहते श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करो, है ना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई ते नाही, निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। इसलिए श्री बलदेव प्रभु यहीं पर रास करते हुए उन्होंने जब ब्रज उनको गोपियों की जब तृष्णा लगी
पानी पीने के लिए बोले तो जमुना को बुलाए, लेकिन जमुना टेढ़ी मेढ़ी होकर के आई नहीं। बोले क्या तुम नहीं आ रहे हो, मैं बलदेव प्रभु बुला रहा हूँ। कृष्ण से अभिन्न यमुना ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाल से उन्होंने खेचे, इसलिए उनका एंचा खेचा खेचा दाऊ जी, हाँ खेचा दाऊ जी, खेचा मतलब उन्होंने खींचे है। इसलिए देखना यमुना ऐसे जाकर के, वो ऐसे आकर के फेरे और ऐसे जा रही है, इसलिए बलदेव प्रभु का पराक्रम उन्होंने खेचे खेचे करके उन्होंने गोपियों को उन्होंने पानी पिलाए। कहते बलदेव प्रभु साधारण नहीं, अभी भी हस्तिनापुर में हैं, वहां पर भी उन्होंने जिस समय दुर्योधन की बेटी को क्या थी, लक्ष्मणा को, और कृष्ण का बेटा कौन, अरे कौन उठा, साम उन्होंने उठा करके ले गया था, और कृष्ण को बड़ा क्रोध आया था, बलदेव प्रभु समझाने के लिए आए। इतने में श्री हैं श्री बलदेव प्रभु बोले भैया मेरा चेला लगता है दुर्योधन, चिंता मत करो मैं समझा देता हूँ। लेकिन उन्होंने समझाने के लिए आए तो दुर्योधन माने ही नहीं है, बोले जूते के प्यार के जूते अभी सर पर चढ़ना चाहते हैं, हैं हमारी बेटी को अपहरण कर रहे थे, फिर हमको माफी मांगना पड़ेगा। इसलिए बलदेव प्रभु बोले क्या कृष्ण को तुम पता नहीं कृष्ण कौन है, हे बलदेव प्रभु उठाए अपना हाल को उठाए। बोले संपूर्ण हस्तिनापुर को मैं उल्टा देता हूँ, उन्होंने हाल को मार कर उन्होंने ऐसे उन्होंने उखाड़े, पूरा हस्तिनापुर पूरा उलटने जा रहे थे, इतने में टेढ़ा हो गए। इसलिए बलदेव प्रभु को फिर श्री भीष्म पितामह भीष्म दुर्योधन को समझा, बोले तू क्या अनर्थ कर रहे हो। इसलिए बलदेव प्रभु का जो शक्ति है ना अथाह शक्ति है, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड का, इसलिए कहते शंकर सन कारण तो साई गर्भ तो साई चो पयब्धि साई से सांस से श्याम से कला से नित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपद। ये समझो ये विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहे हैं श्री बलदेव प्रभु का ही आशीर्वाद है। कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, कृष्ण तो केवल इच्छा करते हैं, लेकिन इस सारे काम को करने वाले कौन हैं, ये दाऊ भैया ही सारे काम को करने वाले। इन सही शंकर सन कारण दवसाई गर्भ दवसाई किराब दिशाई शेष जिनके अंश के अंश रूप में, इसलिए समझो ये बलदेव प्रभु कितने शक्तिवान हैं। इसलिए कोई कोई यह प्रश्न करते हैं, अरे ये यमुना तो कौन है, यमुना यमुना तो कृष्ण प्रेयसी, अरे ये कृष्ण प्रेयसी को ये दाऊ भैया जेठ लगते हैं ना, हमारी संस्कृति ना जेठ कभी छोटे भाई की पत्नी को सामने पर्दा करती हैं। फिर उन्हें यमुना को कैसे आकर्षण किया, बोले यमुना की बहुत सारी स्वरूप है, एक तो ये विशाखा स्वरूप है, ये एक एक जाति है, जब मथुरा में ये कालिंदी है, फिर ये समुद्र पथगामी। इसलिए उन्होंने जिस यमुना को उन्होंने आकर्षण किया, किसको उन्होंने आकर्षण किया था, जो समुद्र की जो पत्नी जो पथगामी उनकी है उनकी। फिर कोई प्रश्न करते हैं, क्या बलदेव प्रभु यहाँ पर जो रास किया है किसको लेकर उन्होंने रास किया है, क्या अपना गोपी ना कृष्ण के गोपियों की। लेकिन हमारे शास्त्र बताया उन्होंने कभी भी कृष्ण गोपियों को उन्होंने लेकर के किया नहीं है, क्योंकि ये मर्यादा की उल्लंघन है, ये मर्यादा की उल्लंघन है। जब कृष्ण होली खेल रहे थे कहाँ पर, श्री राधा कुंड में, वहां बताया शास्त्र में बताया वो अपना गोपियों को लेकर किया, क्यों कृष्ण छोटे भाई हाँ छोटे भाई है, कभी उनको गोपियों को लेकर के नहीं। लेकिन अगर किया भी तो, लेकिन गुरु जी कहते हैं गुरुदेव कहते हैं रास का मतलब क्या होता है, रास का मतलब जैसे ना कहते आकाश का रंग तो एक है, लेकिन जैसे आप चश्मा पहने ना वैसे ही आकाश का रंग दिखने लग जाती है। लेकिन हमारे हृदय में काम है, हमारे हृदय में क्रोध लोभ हमारे हृदय में, लेकिन कृष्ण के अंदर में ये सब चीज नहीं है और दिव्य लोक में सब चीज नहीं। इसलिए हमारी जैसे भावना है ना, जब हम रास की बात सुनते हैं हम जैसे करते हैं हम सोचते हैं कृष्ण भी ऐसे करते होंगे, लड़की को लेकर छेड़खानी करना नाचना कूदना। लेकिन कहते आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये भजन का चौथा स्थिति में ये अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, उसको बाद में कोई काम क्रोध कुछ नहीं रहता है। अब वो कहां नित्य परिकर है, वहां पर काम की वासना गंध तक है नहीं। इसलिए उदाहरण देकर गुरु जी कहते स्वर्ग में, अब देखना कथा सुन करके उसकी पत्नी को वो ले गया, उसको पत्नी को वो ले गया, बृहस्पति पत्नी को वो ले गया, बुध का पत्नी को वो ले गया, हाँ वहां पर दिखाई पड़ता है। बोले भैया स्वर्ग में ये गड़बड़ी कैसे, यहाँ ये गड़बड़ी होती है, ये स्वर्ग में वो उसकी पत्नी को लेकर कैसे क्या कर रहे हैं। इसलिए स्वर्ग में भी जो स्त्रियां है ना उनका अंदर में ये सब चीज नहीं, जैसे हमारी ये मरते जगत में। और कहां गोलोक वृंदावन में भगवान की दिव्य लीला है,
अगर कृष्ण के गोपियों को लेकर किया भी तो उसमें कोई दोष नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री बलदेव ब्रह्मरास किया, हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में यहाँ पर आए हैं। और जो वो जो बट वृक्ष है, ये नित्यानंद बट कहते हैं, इसको नीचे श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं आकर के यहीं पर बैठे हैं। और नित्यानंद प्रभु आकर के जब मंदिर मंदिर में गए, कन्हैया को ढूंढे, कन्हैया कहाँ? बोले कन्हैया अभी क्या ब्रज के कन्हैया अभी नदिया के निमाई बन करके जाने आए हैं। इसलिए फिर उन्होंने जब कहाँ पर गए, श्री नवद्वीप धाम में गए, बोले चंद्रशेखर आचार्य भवन में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन हुई। इसलिए ये स्थान अत्यंत नंदन आचार्य, इसलिए नंदन आचार्य घर में, इसलिए ये स्थान अत्यंत पवित्र स्थान, रास स्थली बलदेव प्रभु का, और बलदेव प्रभु का स्थान यमुना किनारा ब्रज खेलन बन। यहाँ तो ठाकुर जी की लीला ही लीला ही लीला ही लीला है, संपूर्ण लीला युक्त धाम। हम गुरु वैष्णव की कृपा से यहाँ पर आए, यहाँ पर चरण धूलि ले, नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु से आशीर्वाद मांगे। क्या आशीर्वाद मांगे? जैसे गुरु वैष्णव के आनुगत्य में मेरे गुरुदेव कहते थे, एक चीज को गांठ बांध मेरे गुरुदेव कहते थे, हम कहते रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम, हम क्या क्या बात सुनते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव कहते थे किसी ना किसी तरह से गुरु वैष्णव का शरण में रहते हुए उनकी लात खा करके भी एक जीवन किसी तरह से बिता दो। हमारे गुरु जी कहते थे ज्यादा स्नेह मान प्रेम की जरूरत नहीं, एक जीवन किसी तरह से, गुरु जी एक जीवन किसी तरह से बिता दो, क्योंकि हम संस्कार रहित व्यक्ति है। अगर एक जीवन किसी तरह से मठ में भी बिता दिया, सेवा करते हुए मंगल आरती कथा सुनो, मेरे गुरुदेव कम से कम संस्कार तुम्हारी बने, बगैर संस्कार के जितने सुन लो वो स्नेह मान प्रणय रुचि निष्ठा कुछ होने वाले नहीं। एक जीवन बलदेव प्रभु से और ये नित्यानंद अभिरना हमारे गुरु पर गए, ये हम सबको पर आशीर्वाद करे। गुरु वैष्णव लात खा करके भी एक जीवन हम लोग किसी तरह से भक्ति में जीवन बिता दे, इससे हमारे कल्याण हो जाएगा। बादशाह कल दुर्व्यस्त कृपा सिद्ध पावन हो वैष्णव।